आओ हम समझे हिंदू मजहब की किताब में खुदा का क्या तसव्वुर है। अगर आप छंदों के उपनिषद पढ़ेंगे, उपनिषद हिंदू मजहब की किताब है, उसमें लिखा हुआ है एकम एविदित्यम, छंदों के उपनिषद चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 वर्स नंबर 1, छंदों के उपनिषद अध्याय 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोक नंबर 1 एकम एविदित्यम, ये संस्कृत श्लोक है जिसकी मानी है भगवान एक ही है दूसरा नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे श्वेताश्वतार उपनिषद अध्याय 6 श्लोक नंबर 9, उसमें लिखा है ना कस्य कशिच जनिता न चदीपा, ये संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है कि उस भगवान के ना कोई वालदेन है ना कोई रब है, उसके ना कोई बाप है ना कोई मां है ना कोई रब है। अगर आप पढ़ेंगे श्वेताश्वतार उपनिषद अध्याय 4 श्लोका 19, उसमें लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति, इसके मानी है उस के जैसा कोई भी नहीं है, उस खुदा की तरह कोई भी नहीं है। और हिंदू मजहब की किताब में सबसे मशहूर किताब है भगवत गीता। अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे अध्याय 7 चैप्टर नंबर 7 श्लोक नंबर 20, उसमें लिखा है ऑल दोज द मटेरियलिस्टिक पीपल दे वर्शिप डेमी गॉड्स, मतलब जो लोग पैसे के पीछे दुनियावी चीजी के पीछे भागते हैं वो लोग गलत ईश्वर की पूजा करते हैं। और उसकी अगर तशरी इसकी तफसीर पढ़ेंगे स्वामी भृगुपदा कहते हैं इसके माने ये भी होती है कि जो लोग दुनियावी चीजें के पीछे भागते हैं वो लोग बुत परस्ती करते हैं। किधर लिखा हुआ है? भगवत गीता चैप्टर नंबर 7 चैप्टर 7 श्लोक नंबर 20। आगे लिखा है भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक नंबर 3 में कि वो खुदा ना कभी किसी को जना है ना जनेगा और वो सबसे ताकतवर है।